पाप के बाद आदम डर कर छुप गया उसी परमेश्वर से जिन्होंने उसे सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि उसकी जरूरत की हर चीज दी। वचन के अनुसार परमेश्वर रोशनी है और उनमें अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है। अंधेरा सब कुछ छिपा कर रखता है और फिर जिसे हम नहीं जानते उसी से डरने लगते हैं और यही डर फिर हमें छिपने पर मजबूर कर देता है। जो कुछ भी हमें परमेश्वर से दूर करे वही पाप है और हम इस पाप से कैसे बचें? शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता की पुस्तक उसका भजन 118 उसकी पांचवी आयत से आगे लिया है। यहाँ लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हूंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, आमेन। सही मायनों में डर क्या है और ये हमें परमेश्वर से कैसे दूर ले जाता है? माना जाता है कि डर शब्द जो है ये बाइबल में तकरीबन 500 बार लिखा गया है। इब्रानी भाषा के दो शब्द हैं, पखाड और दूसरा है यायरे, यायरा या येर, यायरे नहीं यायरा। और ये दोनों डर के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका जो डर के बारे में सोचना वो बिल्कुल अलग है। पखाड़ का मतलब है टेरर, बिल्कुल ऐसा डरावना, अद्भुत, बहुत ज्यादा डर लगना और पैनिक की तरफ ले जाना। और ये इस प्रकार का डर है जो हमें बिल्कुल स्थिर कर देता है। ये होता है जब हम किसी ऐसी खतरनाक स्थिति के सामने अचानक हमें फेस करना पड़ जाता है। और ये वो डर भी है जो हमें पीछे हटने में मजबूर कर देता है, हम अपने आप में अंदर ही बस सिमट जाते हैं और फिर इस डर में हम पैनिक, घबरा जाते हैं। यायरा या येर जो डर है उसका मतलब है वो डर जो जिसमें हम अचानक अपने आप को पाते तो हैं, लेकिन ये उस प्रकार का डर है जब हम कभी अचानक ही हमारे भीतर कोई ऐसा अद्भुत शक्ति आ जाए, किसी बड़ी बढ़िया जगह में हम पहुंच जाते हैं, वहां हम उसमें डर लगता है, ओ है। और ये दोनों तरह के जो डर हैं बिल्कुल ही फर्क में हैं, अलग हैं। और यायरा जो है ये श्रद्धा भरा भय है, श्रद्धा से भरा हुआ। शायद यशायाह नबी ने यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय की 5 आयत में जब परमेश्वर की महिमा की रोशनी मंदिर में देखी तो उस प्रकार का डर, उसे यायरा वाला डर लगा। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसके लिए सब कुछ दे दिया, आदन बाग में सब कुछ रख दिया, सिर्फ एक ही उसी आज्ञा दी कि तुम एक ये फल मत खाना। उसे फिर इंसान को उन्होंने फ्री विल दे दी कि चाहे तुम खाओ या ना खाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम मानो परमेश्वर की बात या ना मानो। उत्पत्ति 3 अध्याय की 9 आयत में परमेश्वर जो सब कुछ जानते हैं वो आदम को पुकारते हैं, तुम कहां हो। इब्रानी भाषा में जो ये शब्द यहां इस्तेमाल किया गया, पहला है एफओ, जिसका मतलब है ज्योग्राफिकल लोकेशन। वेयर के लिए दो शब्द होते हैं, पहला है एफओ, ज्योग्राफिकल, तुम कहां हो, लोकेशन कहां है। दूसरा शब्द है आइए, इसका मतलब है कि तुम वहां पर क्यों नहीं हो जहां पर के तुम होने चाहिए, सरप्राइज का मतलब। ये बिल्कुल अचंभे वाला वेयर है। तो इस प्रकार परमेश्वर का जो सवाल है आदम से वो उस अचंभे वाला है, क्योंकि ये शब्द वहां पर आइए इस्तेमाल किया गया है। और वो परमेश्वर उससे पूछते हैं, तुम वहां क्यों नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए,
क्या हुआ, क्यों हूं तुम, कहां पर हो? आदम उसका उत्तर नहीं देता है, लेकिन वो अपने मन की मनोदशा परिस्थिति को बता देता है। वो कहता है, मैंने आपकी आवाज बाग में सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। आदम ये नहीं कहता है कि मैं यहां पर हूं। वहां पर इब्रानी भाषा का शब्द है हेनैनी, जिसका मतलब है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता में और सर्विस के लिए तैयार रहने वाला, कि मैं यहां पर हूं। वो हेनैनी नहीं कहता है। आदम परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, वो छुपा हुआ है और वो अपने अंदर देख रहा है, परमेश्वर की तरफ नहीं देखता है। परमेश्वर की आवाज चारों तरफ से आती है, उससे कोई छुप नहीं सकता है, परमेश्वर से हम छुप ही नहीं सकते हैं, और ना उनकी मौजूदगी की जो प्रूफ है उसे हम हटा सकते हैं। दूसरा इसका एस्पेक्ट है, आदम डर में क्यों है? जो ये शब्द है जो यहां इस्तेमाल किया गया है, ये एक ही बारी नहीं कि आज मैं डर गया बस, नहीं, ये कॉन्टिन्यूस है, इनकम्प्लीट है, ये सदा के लिए डर बैठ गया आदम जात के अंदर। और फिर उसके लिए अदन बाग और परमेश्वर की हजूरी, जहां पर पहले उसे सेफ्टी थी, अब वो डर में आ गया है। उसकी वल्नरेबिलिटी वहां आती है, उसका नंगापन, और उसके कपड़ों के बारे में नहीं है, और वो एरोम जो है, ले बेयर एक्सपोज जो है, उसने अपनी नेकेडनेस को तो कवर कर लिया है, पत्ते लगा लिए उसने, जो उसके पास था उसने लगा लिया है, जो बेस्ट पॉसिबल उसके पास तरीका था, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल कंसीलमेंट है, ये उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस के लिए नहीं है कि बाहर से उसे नंगा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर के बारे में, अंदर की जो उसके मन में खतरा उसके बारे में है। और इस परिस्थिति में वो दूसरों को ब्लेम करने लग जाता है, और इस डर का कारण है क्योंकि वो ये समझता है कि अभी उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, डर उसके अंदर है और ये उसके अंदर से आवाज निकल रही है, दुश्मन भी उसके अंदर ही है। जो आज्ञा है कि दी गई थी पहले, सब्ड्यू द अर्थ, अर्थ को, धरती को अपने अधीन कर लो, वो बाहरी लड़ाई के बारे में थी, आत्मिक लड़ाई थी जहां शैतान भी है, और जो ये बाहरी लड़ाई है अब ये इंटरनल उसकी अंदरूनी बन जाती है, और जो बाहरी लड़ाई दोनों अब उसके साथ होने लग गई है। जो एक्वायर्ड, जो हम नॉलेज इस प्रकार प्राप्त करते हैं, वो हमें वल्नरेबिलिटी दिखाती है कि हम किस प्रकार कमजोरी में हैं। उत्पत्ति 2:25 में आदम और ईव दोनों नंगे थे, लेकिन उनमें कोई शर्मिंदगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं थी, और परमेश्वर उनकी इनोसेंस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम सब ने वो फल खाया है और हम सब अब डर में हैं। यहोशु के पहले अध्याय में परमेश्वर यहोशु को 4 बार बोलते हैं कि डर मत, और फिर उसे वो तरह तरह की अश्योरेंस देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर जगह जीत ही मिलेगी। उत्पत्ति 3:20 में आदम ये समझ जाता है कि औरत की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि उसके पहले उसे पता चल जाता है कि अब मृत्यु निश्चित है, और मेरे बाद मेरा नाम कहां से चलना है। वो इन परमेश्वर से उस मौत के डर के कारण भी भागता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसे, ज्यों ही खाओगे तो मर जाओगे। फिर वो औरत को नाम देता है ईव, हवा उसको नाम देता है, उससे पहले वो ईशा थी, वो ईश था और वो ईशा थी, जो अनडिजर्व्ड ग्रेस है, जिसकी हम अनुग्रह की, जिसे हमें कोई अधिकार नहीं है, वो आती है, अनुग्रह आता है जब परमेश्वर ये सवाल पूछते हैं, तुम मेरे पास क्यों नहीं हो। परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता रखना चाहते हैं। उनका सवाल ये नहीं है कि तूने पाप क्यों किया, उन्हें पता है क्या हुआ है, लेकिन वो ये नहीं पूछते हैं, वो परमेश्वर की, परमेश्वर ये पूछते हैं उसकी अंदरूनी हालत क्या है, फिर उससे पूछते तूने, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है। और ये जो कुछ सवाल है उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, उसके अंदर झांकने के बारे में है। और फिर आदम को ये समझना है कि वो अपने आप को ही बोल रहा है, किसी ने उसको नहीं बोला कि तुम नंगे हो। आदम फिर रैशनलाइजेशन में लग जाता है और डर में लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर उसको अनुग्रह उन दोनों को फिर भी दे देते हैं, उन्हें कपड़े अंगरखे पहनाते हैं। हमें हर डर को कॉन्फ्रंट करना है कि ये किसने कहा तुम्हें। हर दिन शैतान हमारे दिमाग में वो डर के बातें डालता रहता है,
और हमें ये सवाल करके किसने बोला है और परमेश्वर के अनुग्रह में जाना है, उसकी माफी में चला जाना है। प्रभु यीशु के सलीब पर जाने के से पहले भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन बन जाती है। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को धोखा देता है, पकड़वा देता है, फिर उसके मन में वो रिमोर्स आता है, गिल्ट आता है, और फिर वो परमेश्वर से छुपने की कोशिश करता है और आत्महत्या कर लेता है। लूका 22 की 61 में पत्रस रसूल ने भी 3 बार प्रभु यीशु को इनकारी कर दिया था उन्हें पहचानने से, और फिर उसने कर्सिंग के साथ ये किया था, स्वेरिंग के साथ, लेकिन वो अनुग्रह पाता है परमेश्वर से और उनके साथ जुड़ जाता है। यूहन्ना 20 की 19-22 आयत तक प्रभु यीशु जी उठने के बाद में डिसाइपल्स के बीच में आते हैं जो के डरे हुए हैं, दरवाजे बंद हैं और यहूदियों से डरे हुए हैं, और वो उनके बीच में आकर उन्हें कहते हैं, उनके ऊपर सांस फूंकते हैं, उन्हें अपनी शांति देते हैं और सांस फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा पालो, पवित्र आत्मा, रिसीव द होली स्पिरिट। उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर को छोड़ दिया था, इनकारी हो गए थे उनसे, डर के कारण वो छिपे हुए थे, डर भी एक पाप है और ये एक बहुत गंभीर अपराध था जिसके कारण उन्हें परमेश्वर की हजूरी में आने का कोई हक नहीं था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में जो लोग नहीं जाएंगे नए यरूशलेम में परमेश्वर की हजूरी में, सबसे पहला डरपोक लोग हैं। डर के कारण छुपे हुए थे विश्वासी लोग, परंतु परमेश्वर फिर भी आ जाते हैं उन्हें अनुग्रह देने के लिए। फिर वो थॉमस जो के शक करता है उसे भी वो शांति के लिए उसे भी अनुग्रह देते हैं, उसे दिखाते हैं अपने हाथ। डर हमें परमेश्वर से दूर करता है और विश्वास हमें उनके पास लेके जाता है, और ये दोनों हैं जो अनदेखी चीजें उनके बारे में, अनदेखी हैं लेकिन हम उन्हें फील करते हैं। चाहे हम विश्वास कर लें माया के ऊपर जो डिल्यूशन है जो हमें डर में ले जाती है, या फिर हम प्रभु यीशु के आशीष भरे वचनों पर विश्वास कर लें हालांकि हम उन्हें देखा नहीं है, चॉइस हमारी हो जाती है कि हम उसके पास जाएं या उसे दूर हो जाएं। डर हमें उनके पास जाने से दूर कर देता है, लेकिन दूसरा डर यह भी है कि हम उनकी आशीष में बने रहें, उनके साथ जुड़े रहें। डर यह कि कहीं मैं उनकी आशीष से निकल ना जाऊं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो जो लोग नए जेरूसलम या परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते उनमें सबसे आगे डरपोक लोग हैं। जब डर एक नेचुरल या कुदरती रिएक्शन है तो ये पाप क्यों माना गया है? इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि डरना है, उसने उसके जो काम दिया गया था ओवरकम करना, जय पाना और धरती के ऊपर अपना अधिकार जमा लेना, डोमिनेट द अर्थ, सबड्यू द अर्थ। आदम और ईव के साथ उन्हें पूरा एनिमल किंगडम सब पर अधिकार दिया गया था, जितने रिसोर्सेज थे सब दे दिए गए, परमेश्वर वहां पर थे उसे गाइड करने के लिए। डर सिर्फ तब आया जब उसने डिसोबीडियंस और पाप में गया और छिप गया परमेश्वर से। प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में 7 चर्चेज को चिट्ठी लिखी जाती है, उसमें प्रभु यीशु योहन्ना नबी को डिक्टेट करते हैं, और जो चिट्ठी में सबसे पहली बात है उसमें एक प्रकाशन है, प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं, जैसे पहले ही लिखा गया है, जो सातों तारे अपने दाहिनी हाथ में लिए हुए है और जो सोने की 7 दीपटों के बीच में फिरता है, अपने बारे में एक रेवलेशन है। फिर उन्हें एक टास्क दिया जाता है और उसके बाद में फिर उन्हें एक इनाम का एक प्रॉमिस दिया जाता है। जो प्रकाशन दिया जाता है उनके लिए, उन्हें इसलिए है कि अपने डर के ऊपर वो जय पा रहे हैं, किससे मैसेज आ रहा है वो हमारे साथ है, और जो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाना है वो इंसेंटिव है ताकि उसे जय पाए, उसे कर लें वो। और ये सब कुछ करने के बाद में फिर योहन्ना नबी को फ्यूचर इवेंट आगे की बातें बताई जाती हैं। अगर फिर भी कोई डर में रह जाए तो फिर उसमें परमेश्वर के अंदर विश्वास नहीं है, और फिर वो
किसी भी तरह से उसके वचन में भी विश्वास नहीं करता है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा गया, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और फिर जिसको उन पर विश्वास ही नहीं है, वो उनके राज्य में कैसे दाखिल हो सकता है? निर्गमन 14वें अध्याय की 13-14 आयत में मिस्र से निकल लेते हैं इसराइल के लोग, और फिर आगे आ जाता लाल समुद्र। तो मूसा परमेश्वर का वचन उन्हें बताता है, इसमें जो कमांड्स हैं वो अलग अलग हैं, क्या क्या करना है। 14वां निर्गमन 14वां अध्याय, और उसमें लिखा है डर मत, डू नॉट बी अफ्रेड, बी स्टिल, स्थिर रहो, और परमेश्वर की मुक्ति का कार्य देखो जो आज तुम्हारे बीच में करेगा। डर मत, स्थिर रहो, जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करें उसे देखें। और जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, इनको तुम फिर कभी मत देखोगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे और तुम अपनी शांति पकड़े रखो। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे, शांति पकड़ना है कि तुम अपने डर पर जय पा लो। इजरायली लोग साफ धरती पर, सूखी धरती पर निकलते हैं समुद्र के बीच में से, लेकिन मिस्री जो सेना है वहां बर्बाद हो जाती है। और यह पूरा करता है उस वायदे को जो उत्पत्ति 12 के साथ में अब्राहम से परमेश्वर ने किया था कि मैं तुम्हारे डिसेंडेंट्स को ये जमीन, ये पूरी जगह दे दूंगा। गिनती 13वां 14वें अध्याय में 12 स्पाई भेजे जाते हैं उस जगह को देखने के लिए, और उसमें से 10 जो आते हैं बड़ी उल्टी खबर देते हैं। वो कहते हैं कि जो वहां पर लोग हैं, हम उनके सामने टिड्डों की तरह थे और हम अपनी नजर में भी टिड्डे ही थे। परमेश्वर ने आदम से पूछा था, तुम्हें किसने बताया? हम अपनी ही बातें सुनने लग जाते हैं और फिर शैतान की झूठ के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, और फिर वो अपने आप को टिड्डे मानने लग गए। सिर्फ दो, जो यहोशू और कैलेब ने ही परमेश्वर के वायदे पर यकीन किया, और उन्होंने इसराइलियों को बोला कि चलो वो हमारे साथ हैं। पहला शमूएल 17वें अध्याय में कई साल बाद में एक टीनेजर है जो अभी पूरी तरह से जवान नहीं हुआ है, शेपर्ड है, जो परमेश्वर के वायदों पर यकीन करता है, और जो इजरायली सेना को वो गोलियत चैलेंज करता है उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब पाप क्यों माना गया है डर को? सबोपदेशक 1:2-14 आयत में सुलेमान अपनी विजडम में यह डिक्लेयर करता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और वहां शब्द है इब्रानी भाषा के हवल हवालम, और फिर वो कह देता है ये सब जैसे हवा को पकड़ना है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपनी अक्ष, अपने रूप में, और आखिरी दिन बनाया था ताकि ये ना कह सके कि हाँ जी इसने कोई एक है, इंसान ने भी परमेश्वर की सहायता की है। सबोपदेशक 3:11 आयत में परमेश्वर ने आदि अनंत काल का ज्ञान उसमें डाल दिया। अब हेवल जो वहां शब्द सुलेमान ने इस्तेमाल किया, इसका मतलब व्यर्थ है। इसका मतलब ये भी है कि जो कुछ भी करते हो इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, ये सब कुछ माया है, एब्जर्ड है, सेंसलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है, और इसके बाद में हम बस बुला दिए जाएंगे। उत्पत्ति 4:1 आयत में जब ईव एक पुत्र को जन्म देती है तो वो ये कहती है, मैंने परमेश्वर से एक पुरुष पाया है, I have acquired a man from the God। परमेश्वर ने जो प्रोक्लेमेशन की थी, जो उन्हें बताया था कि तुम मरने वाले हो, क्योंकि फल खा लिया तो मौत निश्चित है, तब उनमें ये रियलाइजेशन होती है कि हमने ये दुनिया को छोड़ के चले जाना है और ये बच्चा हमारा नाम आगे बढ़ाएगा। उत्पत्ति 11:4 में लोग बेबल में इकट्ठे हो जाते हैं, बेबल का टावर बनाने के लिए, ताकि वो अपना नाम बना सकें। परमेश्वर ने उन्हें बिखार दिया और उनकी भाषा को बदल दिया। इंसान को परमेश्वर ने बनाया था कि वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बन के यहां रहे, उसकी उनकी तरफ देखता रहे, अपने लिए नाम बनाने के लिए नहीं उन्होंने बनाया है, और फिर उसे सदा के लिए रहना था, मरना नहीं था। जो डर खत्म होने का है, एक्सटिंक्शन का है, ये सबसे बड़ा डर इंसान में आ जाता है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अपना एक नाम बनाएं, अपना नाम छोड़ें,
पहचान बना रहे हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 17वीं 18वीं आयत में जी उठे हुए परमेश्वर ये यूहन्ना नबी को कहते हैं, डर मत, मैं पहला और आखिरी हूं, मैं जिंदा हूं, जीवता हूं, मैं मर गया था और देखो मैं जीवता हूं सदा के लिए, और मेरे पास मौत और हेडीज नरक की चाबियां हैं, और इसमें जीवन की एक अश्योरेंस है। डॉक्टर स्किप मोयन जो कि एक दार्शनिक है अमेरिका के, वो ये कहते हैं कि विश्वासी का जो अपोजिट है अविश्वासी नहीं है, डरपोक है, क्योंकि वो अपनी इमोशन भावनाओं में आकर चलता है। परमेश्वर जानते थे कि जो भावनाएं हैं इनके ऊपर हम जय नहीं पा सकेंगे और हम इनके अनुसार ही चलेंगे, फिर भी उन्होंने हमें सच्चाई का बोध कराने की कोशिश की, सच्चाई दिया कि इस वृक्ष का तुम खाओ, इसका फल मत खाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, सिर्फ आराधना के समय ही नहीं बल्कि जब हम पूरी तरह से परेशानी में हैं। यही हमारे लिए काम है कि हम इस विश्वास में बने रहें कि अंधेरे के बाद सुबह होगी, और उनमें ये बल है परमेश्वर का कि हमारे ऊपर जो ये शराब की तरह चल रहा है ये ब्लेसिंग में बदला जाएगा, जो रोना है इसके बाद में आनंद और खुशी का धन्यवाद का गीत भी आएगा। फिर जो वो रोरिंग लायन, जो गरजता हुआ सिंह हमारे पास आता है, फिर हम उसके सामने परमेश्वर की महिमा की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, और फिर हम उसे भी एक स्वर्गदूत की तरह बदलते हुए देख सकते हैं। फिर यही है, इसी कारण है कि जो विश्वासी का अपोजिट है वो डरपोक है। जो डरता है वो परमेश्वर के वायदों के बावजूद डर रहा है, वो परमेश्वर का प्रभुत्व पर विश्वास ही नहीं करता है, और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा है फिर वो डरपोक है, क्योंकि वो जो दुनिया की जो ये तूफान हैं, जो बुराई के तूफान हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, इसमें परमेश्वर की भलाई को पाने का हक नहीं रखता है। और फिर जो ऐसी लड़ाई है वो कभी भी हमें धर्मी बने की तरफ नहीं लेके जाएगी। जय पाने वाला वो है जो कि परमेश्वर को हमेशा महिमा देता है, डर के कारण उनकी महिमा को खराब नहीं करता है, और फिर वो बुराई जो हमारे चारों तरफ है और जो अविश्वास हमारे भीतर उसकी भावना आती है उसके साथ, दोनों के साथ लड़ता है वो। परमेश्वर के वायदों की गारंटी, लिविंग वन जो जीवता है, जो उसके जो गारंटी मिली हुई है, उस सब से सिर्फ अगर हम दूर हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ डर ही बच जाता है, और फिर मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं बचती कि मैं जो ये डर के जो जिसके कारण मुझे डर हुआ है, शैतानी ताकतें, मैं उनके साथ लड़ सकूं। डर के बावजूद जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो परमेश्वर फिर बुराई को बदल देते हैं, और फिर और लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ उस लड़ाई के अंदर, एक सच्ची गवाही बनने लग जाती है। इसी कारण जो विश्वासी, जो फेथफुल सर्वेंट है, जो विश्वास में चलता रहता है, जीत की तरफ चलता रहता है, फिर वही सुनता है अपने मास्टर की, प्रभु यीशु की आवाज अखीर में, कम माई फेथफुल सर्वेंट, एंटर द जॉय ऑफ योर मास्टर। फिर वो अपने परमेश्वर के आनंद में शामिल होता है, अनंत काल के जीवन में पहुंच जाता है, डर पर जय पाए हुए उनके विश्वास में चलते हुए। यही हमें करना है। फिर क्या हम डर को भी एक ब्लेसिंग या आशीष में बदल सकते हैं, और कैसे? नीति वचन उसके 28वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, धन्य है वो जो मनुष्य निरंतर भय मानता रहता है वह धन्य है। ये बिल्कुल अपोजिट है इस बात से कि जो परमेश्वर का भय मानता है। सुलेमान ने यहां पर परमेश्वर का भय मानने के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि उसने यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो है मेफाहेड टमेड, जो भय मानता है सदा के लिए। उसने एडोनाई द लॉर्ड साथ में नहीं लिखा है, क्योंकि उसे पता है, उसने नीति वचन 23:17 में यह लिख दिया है परमेश्वर के भय के बारे में, और सुलेमान जानता है कि
परमेश्वर का भय मानना विश्वास के लिए जरूरी नहीं है, विश्वास के बाद परमेश्वर का भय आएगा। और ये भय जो है ये दुश्मन के सामने आने का नहीं है, लेकिन ये है कि मैं उस परमेश्वर की जो रिक्वायरमेंट्स है मेरे लिए उनको मैं किस प्रकार पूरा करूंगा। ये भय इस बात का भी है कि न्याय की, प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने का है। और फिर ये भय एक विश्वासी को सदा के लिए हर पल वॉचफुल रहने में मदद करता है, ताकि वो हर काम के कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या होगा, पहले उसे देख सोचता है फिर उसे करता है। और फिर ये भय हमें मोटिवेट करता, उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु की धार्मिकता में बने रहें। और फिर हमारे लिए आशीष बन जाता है, क्योंकि ये हमें सदा के लिए किसी दूसरे के लिए सोचने में भी मजबूर कर देता है। और फिर ये भय हमें परमेश्वर के प्यार में बने रहने में सहायता करता है, और ये विश्वास देता है कि जो मेरे पास है वो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए और अपने नेबर के लिए इस्तेमाल करूं, आनंद देता है। फिर एक रबी जो के जो यहूदी रिलीजियस टीचर था, उसके पास एक इंसान आता है, बिजनेसमैन, वो उनसे सहायता मांगता है कि जो मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम्स है उसमें कैसे निकलूं मैं। रबी उससे पूछते हैं कि तुम एमुन्ना और बिटाखोन के बारे में फर्क जानते हो? एमुन्ना विश्वास है कि परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे इस प्रॉब्लम से निकलने में, लेकिन बिटाखोन ये विश्वास है और ये समझ है कि परमेश्वर तकलीफें नहीं भेजते हैं, प्रॉब्लम नहीं भेजते हैं, लेकिन चैलेंज और अपॉर्चुनिटी देते हैं, और मुझे इनसे डरना नहीं है, मुझे इस बात में भी सिर्फ बैठे नहीं रहना है कि परमेश्वर करेंगे, लेकिन इसे एक चैलेंज समझकर, और ये चैलेंज कभी कभी नहीं बल्कि हर दिन हर रोज, और फिर इसके साथ बदलना है इस मटीरियल वर्ल्ड में और आत्मिक रियाम में, और आत्मिक और मटीरियल दोनों में बदलना आपस वाइस वर्सा होना चाहिए। एक आर्टिजन जो कारीगर है, इब्रानी भाषा में उसे उमान कहा जाता है, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस करके वो अपनी परफेक्शन की तरफ पहुंचता है। उमान और इमुन्ना जो विश्वास है वो भी बढ़ता है और स्ट्रांग होता है जब हम बार बार इस तरह की जो तकलीफें हैं उनमें उनका सामना करने लगते हैं, और ये परमेश्वर की महिमा के अंदर बने रहने से आता है। और फिर ये विश्वास हमें जब हम टेस्ट किए जाते हैं और उन टेस्ट और ट्रायल्स में हम जीत में चलते हैं, और फिर हम विश्वास के लिए कुर्बानियां भी देते हैं, तब ये बढ़ता है विश्वास। विश्वास और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये कोई चांस नहीं है कि सिक्का किधर गिरेगा, ये हमारे ऊपर है। हम जो परिस्थितियां उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम डेफिनेटली इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उनके साथ किस प्रकार रिएक्ट करेंगे। या तो ये रोज की रोज हर दिन हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स हैं, परेशानियां हैं जो हमारे मन में भय बिठा देती हैं, या फिर ये अद्भुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। अब्राहम ने विश्वास किया और अपने लोगों से निकलकर एक अनजानी जगह पर पहुंच गया। जो पत्रस रसूल ने भी विश्वास किया, किश्ती से निकलकर पानी पर चल पड़े। जो दूसरे रसूल थे उन्होंने भी विश्वास किया और अनजाने जगह पर चले गए, लोगों को बदल दिया और इस धरती को उल्ट पुल्ट कर दिया, और उन्होंने अपने डर पर जय पाई। परमेश्वर ने भी हमें ये इच्छा दी है, स्वयं इच्छा, कि हम अपने डर पर जय पाएं, उनकी हर परिस्थिति को एक चैलेंज की तरह लें, और परमेश्वर के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में चलकर उस जय पे पाए और डर के ऊपर जय पाए, ताकि उनको महिमा मिले। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने हमें डर के नहीं बल्कि शक्ति, प्यार और आत्म संयम के दिए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी में हमें बनाए रखिए, ताकि हम हर परिस्थिति को एक चैलेंज, आपको महिमा देने का चैलेंज मानकर उस पर जय पाकर आगे बढ़ें। सहायता कीजिए ताकि हम प्रभु हर सांस में बस आप ही को महिमा दें। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। संसार में डर और विश्वास दोनों हैं। एक हमें परमेश्वर से दूर करता है और बीमारियां और असफलता देता है, तो दूसरा
ना सिर्फ डर पर जय दिलाता है बल्कि परमेश्वर की आशीषों में बने रहने में सहायता करता है। डर को या तो हम चैलेंज मानकर विश्वास में उसे अपने अधीन कर लें या फिर उसके अधीन हो जाएं। एक जेल है तो दूसरा कैद से निकलने का रास्ता, चॉइस हमारी है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, शालोम।